हम तो बोलते हैं कि आपको आपका खराब नहीं अच्छा है, हम लोग उसको लड़ने का ताकत होना है बस। अभी हम ऐसा लगता है कि हम लोग तो टेस्ट करना चाहिए ये लड़ाई को टेस्ट में स्पीड बनाना चाहिए हम लोग। और ये लड़ाई को हम लोग जब तक हार नहीं मानेगा, जब पांच एक्सपीरियंस यानी कि तिथि पूर्व तादक माना जब तक बचेगा, उसका बाद जो पांच एक्सपीरियंस अगर होता है तब तक हम लोग लड़ते रहेगा। ये लड़ाई कोई ऐसा रुकने नहीं देगा। कोई कोई लोग बोलते हैं ये लड़ाई जो कमजोर हो गया, क्या हो गया, आप लोग कहाँ गए? हम लोग घर में है क्या? हम लोग रेस नहीं कर सकते क्या? हम लोग भी तो घर में बैठना पड़ेगा ना, तो रेस करना पड़ेगा ना। लड़ाई जो दुश्मन को मारना है तो उसको भी थोड़ा चांद सांस लेने का चांद, जब जब वो खुशी होने के लिए करेगा तब तब उसको मारना है ना। एंड सेकंड पॉइंट इज लाइक आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट लाइक यू नो यस्टरडे वी सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना मींस व्हाट? लाइक यू आर बीइंग पेट्रियोटिक टू योर स्टेट एंड नेशन एज अ होल। लेकिन हमको नहीं लगता कि हमारा जो जितना भी मिनिस्टर्स है दे आर नॉट पेट्रियोटिक टू देयर स्टेट। अगर इफ दे वर पेट्रियोटिक एंड दे वुड हैव थिंक अबाउट थॉट अबाउट योर स्टेट, आज ही हम लोगों को गैदरिंग देखने को नहीं मिल रहा। They would have easily solved this issue. लेकिन उन लोग में भी क्या कमियां रहेगी? They are not patriotic for the state. कहीं ना कहीं हम मान के चल सकते कि yes, yes, they are self-interest and they are not mean for the public. अरुणाचल करप्शन अगेंस्ट करप्शन का उस टीम के लिए हम लोग ये करप्शन को लड़ने के लिए दिल्ली तक हम लोग काफ़ी बार जाके जंतर मंतर में भाषण मार चुका है कि हम लोग अरुणाचल में करप्शन ज़्यादा है बोल के। तो उसका बाद पीछे में हम लोग टीम करने से बेस्ट रहेगा बोल के नारी शक्ति का ये टीम किया था। तो अभी हम फिलहाल ये अपू आपा एक लगा के जेल भी जा चुका है, जैसे करना है जो करना है गवर्नमेंट को लड़ के। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप ऑलरेडी हमारे चैनल में देख रहे हैं, फ्रेम में देख रहे हैं तादक नालू जी, जिनका इंट्रोडक्शन अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर से ही जो एपीसीएस में जो स्कैम हुआ था पेपर लीक उसको लेकर, उनको लेकर पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी को वो लीड कर रहे हैं। और आज के दिन में भी काफ़ी महीनों के बाद में कह सकते हैं उन्होंने उनके द्वारा एक पीसफुल धरना ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और थोड़ी देर पहले ही आप सबने देखा होगा हमारे चैनल में जहाँ पे हमने क्वेरी किया था सीएम से एक क्राउड इंटरव्यू में रिगार्डिंग ये धरना को भी लेकर और साथ ही साथ ये फियास्को का अपडेट को लेकर, रिपोर्ट को लेकर उनका जो रिस्पॉन्स आया उसी सिलसिले में और साथ ही साथ ये धरना से रिलेटेड तादक नालू जी से हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे। तादक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। पहले तो हम जानना चाहेंगे ये धरना को लेकर क्या मुद्दे में रखा गया। आई नो कि स्कैम को लेकर ही है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे एग्जैक्टली, क्योंकि एक पॉइंट हमने देखा कुछ अलग था तो हम जानना चाहेंगे। ऐसा है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थैंक यू सो मच। ये जो आज का जो धरना है ये सबसे पहले क्लियर करना है कि ये एस्पिरेंट ग्रुप का तरफ से है, क्योंकि आई थिंक जो लास्ट वन ईयर में हुआ जितना जनता है सब देखा है कि 13 पॉइंट्स चार्टर ऑफ डिमांड ये एक्चुअली हमने पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का तरफ से प्लेस किया था, एंड देन स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से एश्योरेंस भी आया, इनफैक्ट रिटन एश्योरेंस में आया 18 फरवरी को। और उसके बाद 18 फरवरी से लेके अभी देखा जाने से हमने 6 मंथ्स वेट किया, तो फिर भी अभी तक कुछ आई थिंक कल या परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बोला था, टेक्निकलिटीज डिटेल में बोला था, तो उसमें से एक भी पॉइंट कम्प्लीटली फुलफिल हुआ नहीं है। तो उसको लेके हमने इसी इशू को फिर से दोबारा दोहराया, तो उसी बीच में ये जो अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो अपोपा बोलता है उसका थ्रू से ये इशू को दबाने का बहुत कोशिश किया गया। इनफैक्ट हम लोग का जो एस्पिरेंट्स है, जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो पेरेंट्स है, और जो हमारा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो मेंबर्स है, और इनफैक्ट हमारा चेयरमैन तेची पुरु सर, और हमको भी डिटेंशन ऑर्डर भी निकला और बहुत लोगों को ये इनफैक्ट 30 डेज तक भी डिटेंशन में रखा। तो ऐसा करके जब जब आवाज़ निकालने के लिए करता है तो तब तब ये जो पर्टिकुलर एक्ट को यूज़ करके सप्रेस करने का कोशिश किया। और इनफैक्ट आपने देखा होगा हाल ही में ये रिसेंटली हमने जो स्टेज ऑफ ऑनेस्टी को लेके हम एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइज करने का जो ये किया था, उसमें भी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का तरफ से लाइक यूनिलैटरली ऐसा आर्बिट्रेरीली उसको फिर से दोबारा इवोक किया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे सोशल सर्विस करने के लिए भी उसको लगाया जाता है और वह जाके पूछता है तो NOC नहीं लिया बोलता है। यहाँ पे ऐसा है कि अगर वहाँ पे कुछ भी फंक्शन होता है, आप सब ने देखा है हाईवे में कुछ भी फंक्शन होता है उसमें हाईवे से NOC लेने का ज़रूरत भी नहीं है। चलो कंस्ट्रक्शन के लिए NOC हो सकता है, लेकिन उसके लिए तो हमने स्टेट गवर्नमेंट को बोल चुका है। तो उसी को लेके और जब ये 72 आवर्स में जो बन कॉल हुआ था उसमें इतना लाइक स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से एक सप्रेसिव मूव
सबको सप्रेस करने का जो प्रयास किया उस समय में सब चुप बैठ गया। तो उसी बीच में ये कुछ एस्पिरेंट्स ग्रुप था जिसने हिम्मत दिखाया, जो सीबीआई ऑफिस में भी अपडेट लेने के लिए गया, और रिसेंटली जब ये अपू आपा को दोबारा इवोक करके जब डिटेंशन ऑर्डर निकला तो ये एस्पिरेंट की तरफ से दोबारा ये लोग आवाज़ निकाला। तो इनफैक्ट आज का जो धरना है ये यही सेम एस्पिरेंट ग्रुप की तरफ से है, क्योंकि यहाँ में ऐसे है कि सिर्फ पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, आप ये चीज़ को ये गलतफहमी नहीं होना है कि ये इशू सिर्फ पीएजेसी का है, ये नहीं सोचना है। यहाँ में एस्पिरेंट्स भी है, यहाँ में पेरेंट्स भी है, यहाँ में सोशल एक्टिविस्ट भी है, इनफैक्ट सभी अरुणाचली ये इशू से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए वी आर रियली ग्रेटफुल जो आज ये स्टूडेंट्स ग्रुप, जो एस्पिरेंट्स ग्रुप ये धरना को, पीसफुल धरना को ऑर्गेनाइज किया। और यहाँ पे जो मेन मुद्दा है, जो तेची पुरु सर को, जो हमारा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो चेयरमैन है, उसका अगेंस्ट में जो सस्पेंशन ऑर्डर निकला है उसको लेके धरना रखा है। और प्लस ऑब्जेक्टिवली पूरा ओवरऑल जितना भी अभी तक जो इशू अभी तक जो बचा हुआ है, तो यहाँ पे ऐसा है कि तेची पुरु सर का जो केस है, आई थिंक दिस इज़ अ गोल्डन एग्जाम्पल। यहाँ पे ऐसा है कि स्टेट गवर्नमेंट, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद बोलता है 18 फरवरी को कि तेची पुरु ऐसा एक एग्जाम्पल है जो हिम्मत जुटा के, एक गवर्नमेंट सर्वेंट होकर भी हिम्मत जुटा के सिस्टम को करेक्शन करने के लिए आगे आया है। उस समय में ऐसा प्रेस किया था, ऐसा तारीफ किया था, लेकिन वही चीफ मिनिस्टर, क्योंकि जो डिपार्टमेंट में तेची पुरु है, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का, उसी का मिनिस्टर खुद चीफ मिनिस्टर है, ही हिमसेल्फ ही इज होल्डिंग द सेम पोर्टफोलियो। तो अभी यहाँ पे ऐसा कैसा हो गया कि एक तरफ से आप तारीफ कर रहे हैं, दूसरा तरफ से आप सस्पेंशन कर रहे हैं, दैट इज़ अ हिपोक्रेसी। ये चीज़ तो, ये तो बहुत कंडेमनेबल है। अभी स्टेट पूरा हमारा पब्लिक का जितना जनता है, एक्चुअली बोलने से यहाँ में जो डबल स्टैंडर्ड है इसमें दिखाई देता है। एक तरफ से बोलता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये कर रहा है, और दूसरा तरफ से सस्पेंशन। और सस्पेंशन क्या के लिए किया है, जो उस समय में जो अपू आपा एक्ट लगा था, और अपू आपा भी उसको तो ये ऑनरेबल हाईकोर्ट की तरफ से उसको क्वाश कर दिया। क्वाश करने के बाद अभी तक रीइंस्टेट हो जाना चाहिए था, बट अभी तक हुआ नहीं है। और इनफैक्ट अभी रिसेंट जो डिटेंशन ऑर्डर फिर से निकाला, उसका फिलहाल ऑनरेबल हाईकोर्ट से अभी टेम्परेरीली एक रिलीफ मिला है, एक उसको स्टे दिया है, लेकिन उसका अभी भी फाइनल हियरिंग बाकी है। तो स्टेट गवर्नमेंट से वही पूछना है कि आपको अभी तक जितना इशू चल रहा है इसको सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इनफैक्ट आपका क्या मजबूरी है। अभी ये में जब हमने देखा है इंडिपेंडेंस डे का, उसमें भी स्पीच में भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद बोलता है ये ऑफिसर ग्रुप जो भी करप्ट थे हम उसको नहीं छोड़ेंगे, डायलॉग में रह गया। ये बात तो हमने 18 फरवरी को भी सुना था, लेकिन जिस हिसाब से आप एक लैक ऑफ पॉलिटिकल विल जो हमको देखने मिल रहा है, उसे तो पता चल रहा है कि एक्चुअली में आप प्रोटेक्शन दे रहा है, आप शील्ड कर रहा है। इसलिए यहाँ में आपका जो डबल स्टैंडर्ड जो एक अप्रोच है, जो एक हम लोग को एक हिपोक्रेसी जो एक अप्रोच दिखाई दे रहा है, काइंडली ये सब करना बंद कीजिए। क्योंकि वी आर नॉट, यहाँ में हम इलिटरेट नहीं है, हम सब पढ़ा लिखा है, वी आर ऑल एग्रीड एस्पिरेंट्स, और यहाँ में ये इशू में हमारा दिल से जुड़ा हुआ है। और जो ग्यामर पादंग जो एक इतना बड़ा सेक्रीफाइस करके इसको लेके आया, एंड वी आर श्योर, वी आर विद टोटल कन्विक्शन हम ये बोलता है कि ये इशू में जब तक एक लॉजिकल कंक्लूजन, जो एक जो लॉजिकल जो फाइनल जो कंक्लूजन जो जब तक नहीं होता है, हम इसको तब भी नहीं छोड़ेंगे, उस समय में नहीं छोड़ा है, अभी भी नहीं छोड़ेंगे। तलक जी, और एक सवाल जिसे आपने बात निकाला है, मैं भी सवाल पूछने वाली थी, जो सोशल सर्विस जहाँ पे ग्यामर पादंग जी का स्टैचू बनाने का आप लोग कर रहे थे, उसको लेकर भी जब आप लोग का यहाँ पे पुलिस को डिटेंशन जो हुआ था, उसको लेकर भी जब हमने सीएम खांडू से सवाल रखा था, तो उनके तरफ से कहा गया था नहीं वो भी सोच रहे हैं, और फैमिली से भी उन्होंने बात किया, और ये जिस लेकिन सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी जाए और सोशल सर्विस करे, इस तरीके का उनका कहना था। ये तो था उनका स्टेटमेंट आया था। आज के दिन में आपके यहाँ पर धरना चला, और एक और उनके वहाँ पर एक प्रोग्राम में वो गए थे एज अ चीफ गेस्ट, तो हमने सवाल रखा था ईडी को लेकर, क्योंकि ऑलरेडी जब भी हम सवाल पूछते हैं सीबीआई का, तो उनका कहना होता है कि सीबीआई देख रहा है, तो ईडी का जब मैंने सवाल पूछा तो उनके तरफ से कहना था कि रिसर्च करके आए, और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो उनके तरफ से एक अप्रोप्रिएट आंसर बोल दीजिए, वो नहीं आया। तो हम एग्जैक्टली जानना चाहेंगे, ऑलरेडी आपने बताया कई प्रेस ब्रीफिंग में, लेकिन हम जानना चाहेंगे एग्जैक्टली उनके तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया गया था रिगार्डिंग, क्योंकि हमें जितना याद है उनके तरफ से कहा गया था ईडी के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल डालेगी, तो उस पे क्या कहना था उनका एग्जैक्टली, हमको याद दिलाइए। देखिए, ये एज फार एज दी सोशल सर्विसेज कंसर्न, सबसे पहले उसको और एक बार क्लियर कर दूँ। यहाँ पे ऐसा था, ऑन 3 मई हमने एक लेटर लिखा था रिप्रेजेंटेशन हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कि
वो पर्टिकुलर एरिया में जहाँ में हमारा लेट ग्यामर पादंग खुद ईयरमार्क किया है उसमें हमको सोशल उसमें स्टेच ऑफ ऑनेस्टी बनाना है, तो उसके लिए हमने उसको रिप्रेजेंटेशन लिखा। उसी सेम रिप्रेजेंटेशन को हमारा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसने प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी आई मीन प्रिंसिपल होम को भेजा कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो डिमांड है जो रिक्वेस्ट है इसको आप काइंडली लुक इनटू कीजिए। तो उसके बाद जो 3 मई के बाद इतना समय हो गया कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ नहीं है, तो हमें लगा कि सिंस वी वेंट थ्रू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो उसका चैनल से गया, तो हम फिर दोबारा उसको पूछने गया था ये 24 जुलाई को, दैट मीन्स ऑलमोस्ट आफ्टर 2 मंथ्स। तो उसमें पूछने गया तो उसमें ये पता चला कि उसमें हम दो चीज़ रिप्रेजेंटेशन एक उसमें 2 पॉइंट्स लिख के गया था। पहला पॉइंट ये था कि 3 मई को जो हमने एक लेटर लिखा था उसका अपडेट लेना था, और दूसरा बात ये था कि जो उस समय में उसी एरिया में जो हमने जो पादंग सर ने जो ईयरमार्क करके रखा है उसमें हम एक सोशल सर्विस करना है वो इन्फॉर्म करने गया था। क्योंकि सोशल सर्विस करने के लिए अरुणाचल में आपको मालूम है कितना रिवर क्लीनिंग होता है, यहाँ पे इंदिरा गांधी पार्क को भी क्लीन किया जाता है, इनफैक्ट अपना कॉलोनी को भी साफ करता है, अभी कहाँ से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का परमिशन का ज़रूरत होता है। लेकिन हाँ, जैसे कि कुछ डेमोक्रेटिक मूवमेंट हो रहा हो या फिर कुछ धरना हो रहा रैली कर रहा हो, हाँ उसके लिए ज़रूरत होता है। लेकिन क्लीनिंग के लिए उल्टा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से उल्टा एनकरेजमेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या है उसमें डीसी तालो पोतम ने हमारा सबसे पहले तो हमको मिला नहीं है, मिलने के लिए रेडी नहीं था। दूसरा बात ये कि उसी लेटर को उसने देखा भी नहीं, कंटेंट को भी नहीं देख के लिखता है कि ऑब्टेन NOC फ्रॉम नेशनल हाईवे। हमें समझ में नहीं आया ये NOC क्या के लिए, क्योंकि अगर स्टेच्यू ऑफ ऑनेस्टी का कंस्ट्रक्शन का NOC का बात कर रहे हैं तो उसको हमने ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट को अपील कर चुका है, वो NOC स्टेट गवर्नमेंट नेशनल हाईवे से खुद लेगा। और एज फार एज दी सोशल सर्विस इज कंसर्न, उसके लिए हमको हाईवे को क्यों मांगना जरूरी है? सोशल सर्विस के लिए भी अभी हाईवे को परमिशन लेना है क्या? क्योंकि यहाँ में जो कार रैली किया है इसके लिए क्या परमिशन लिया? और यहाँ में जो जब भी कुछ फेस्टिवल होता है कुछ प्रोसेशन होता है उसके लिए क्या हाईवे से परमिशन लेता है? यहाँ पे कुछ भी क्लीनिंग करता है तब तो उसे परमिशन लेता है? ये तो मजाक बना के रखा है ना, दे वॉन्टेड टू कुछ भी करके यहाँ में फ्रेम करना है। और अगर उस समय में आपको सोशल सर्विस नहीं कराना था तो आप डिक्लाइन कर सकता था, डिक्लाइन भी नहीं किया और उसमें 144 भी लगा दिया, उसका बाद तो कुछ एक्टिविटीज़ हुआ नहीं, उसमें भी पूरा सबको डिस्पर्स कर दिया। या फिर ट्रेस पासिंग का भी दूसरा एक्ट है, अपना प्रोविजन्स है, लॉ अपना प्रोविजन्स है, वो भी नहीं डाला। डायरेक्ट जो अपुआपा विच इज़ यूज फॉर टेररिस्ट, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स के लिए, जो हार्ड कोर क्रिमिनल्स के लिए यूज़ किया जाता है, सोशल सर्विस के लिए लगाता है? तो मजाक बना के रखा है ना। नाउ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दे हैव टू आंसर, और इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ नहीं है, यहाँ में जो होम डिपार्टमेंट में है, जो बामंग फेलिक्स का जो डिपार्टमेंट है, होम मिनिस्टर ही हिमसेल्फ हैज़ टू आंसर, द चीफ मिनिस्टर हैज़ टू आंसर, ये अपुआपा को क्यों मिसयूज़ किया जा रहा है? और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अनचेक्ड कैसे करके इतना मिसयूज़ करने दिया जा रहा है? क्योंकि देखो, मिसयूज़ करना कोई बड़ा बात नहीं है, जो स्पेशली द वंस हु आर सिटिंग इन द पावर, लेकिन द वंस हु आर एट द रिसीविंग एंड, आप उसका जगह में बैठ के सोच के देखो कितना दुख तकलीफ होता है। और आपने जो दूसरा बात बोला कि ये जो ईडी को लेके, तो ईडी को लेके ऐसा है, जब लास्ट टाइम हम 18 फरवरी को जब डिस्कशन हुआ था उसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से क्लियरली बोला गया था कि जैसे ही ईडी आएगा, जो उसमें जैसे चेयरमैन से लेके मेंबर से लेके जो सेक्रेटरी से लेके हर ऑफिशियल का ईडी जो है वो लोग का प्रॉपर्टी को चेक किया जाएगा। और दूसरा बात ये बोला था कि यहाँ में जितना ऑफिशियल्स है, जो जो एक्यूज है जिसको अरेस्ट किया है वो लोग को भी किया जाएगा। लेकिन यहाँ में आने का बाद तो सबसे पहले ईडी क्या करता है, ग्यामर पादंग को ही समन करता है, वो भी कहाँ में, गुवाहाटी में। अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इन्वेस्टिगेशन यहाँ में हो रहा है ना गुवाहाटी में हो रहा है, कल को पता चलेगा कि ईडी समन कर रहा है मुंबई में, ईडी समन कर रहा है दिल्ली में, तो हाउ डेट इज़ फिजिबल, वो हमारे लिए बिल्कुल वो कन्वीनियंट नहीं है। यहाँ पे जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट को उल्टा आप वो नहीं करके, उसका मीन्स असिस्ट नहीं करके आप उसको उल्टा हैरेस कर रहा है। अभी कंप्लेनेंट बनना ही एक क्राइम जैसे हो गया उसका मतलब। तब जाके हमने ईडी का ऑफिस में भी जाके पूछा कि आप ईटानगर में क्यों एस्टेब्लिश नहीं कर रहे अपना ऑफिस, क्योंकि CBI का अपना ऑफिस है। तब ईडी ने कहा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगा तो हम लोग भी करेंगे। तब जाके हमने फिर से ये जो सेक्रेटरी है AR डिपार्टमेंट का, जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी अजय शक्ति सर को हमने बताया, फिर से चीफ सेक्रेटरी को भी बताया। उसमें जब मिलने के बाद हमने बोला कि देखिए यहाँ में ये है पर्टिकुलर स्टैंड ना, आप स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से आप लोग बता दीजिए, क्योंकि उसके लिए हमने चीफ मिनिस्टर को भी लेटर भी लिखा है कि ईडी का ये झमेला हो रहा है। तब उसका तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, अभी तक कुछ भी किया नहीं, और अभी ईडी क्या तक क्या किया है कुछ भी पता नहीं, सिर्फ लेटर में लिखा है कि ईडी आया है,
लेकिन अपडेट क्या है? देखो ईडी आया है ना नहीं आया है वो कैसे पता चलेगा? बिकॉज ऑफ द आउटकम ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन, बट द आउटकम इज इक्विवेलेंट टू निल, तो उसका मतलब तो ना आने का बराबर है। तो अब अभी ईडी का कैसे बात कर सकते हैं? तो इनफैक्ट ईडी का जो यहाँ में एक ऑफिस एस्टैब्लिश किया जा सकता है वो अभी भी क्यों एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है? और इनफैक्ट सिर्फ ईडी सिर्फ नहीं है, सीबीआई को भी लेके वो लोग एक्सक्यूज बनाता है। सीबीआई सेंट्रल एजेंसी है, ईडी सेंट्रल एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट का कुछ रोल नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का रोल एक्चुअली यहाँ में आता है सीबीआई के साथ। आपने आपको जैसे मैं तरफ बोला हूँ कि यहाँ पे वो लोग जो डीआईजी लेवल से आईजी लेवल से लाइजनिंग करके जो इनफैक्ट वहाँ में जो पर्सनल से वो यहाँ का लोकल ऑफिसर ही उसका इन्वेस्टिगेशन में असिस्ट करना है। तो सीबीआई का तरफ से उसने ऑफिसर कुछ कुछ मांगा, अराउंड 10 आईओ मांगा, स्टेट गवर्नमेंट तो सिर्फ 2 दिया है। और वहाँ जाके हम वहाँ जाके देखा है तो सिर्फ एक ही आईओ पूरा 92 एग्जामिनेशन को वो कर रहा है। 2014 से लेकर 2022 तक मोर देन 92 एग्जामिनेशन है, तब भी सिर्फ सिंगल आयो और बाकी कहा गया गुवाहाटी में। तो उसको लेके हमने स्टेट गवर्नमेंट को भी मल्टीपल टाइम्स हमने ये कहा कि स्टेट गवर्नमेंट चलो भले आप उसको मॉनिटर नहीं कर सकते, भले आप उसको उसमें डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं कर सकते, लेकिन आप असिस्ट तो कर सकते हैं उसको, आप पर्सनल आप प्रोवाइड कर दीजिए, उसका जो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट आप वो भी दीजिए, जो लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट वो भी दीजिए, और प्लस जो ये लोग का जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है उसका अपडेट भी तो लेना है ना। कुछ अपडेट भी नहीं है। आपका बात नहीं काट रही हूँ, लेकिन जी अभी सीबीआई का बात निकला ही है तो कुछ दिन पहले भी मैंने सवाल रखा था सीएम खांडू से कि चलिए अभी जो केस है स्कैम का, अभी एपीसी स्कैम का, वो सीबीआई देख रही है, लेकिन जब से सीबीआई ने लिया कोई अपडेट नहीं है, कितना अरेस्ट हुआ, क्या रिलीज हुआ, अभी क्या प्रोग्रेस है केस में, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि वो डीजी से बात करेंगे और डीजी को कोऑर्डिनेट करने देने के बाद जो रिपोर्ट आएगा वो बताएंगे। तो बहुत दिन हो गया, ऑलमोस्ट एक सप्ताह हो गया था, अपडेट नहीं आया। तो आज के दिन जैसे आज ही मौका मिला तो मैंने फिर सवाल रखा था, तो उनके तरफ से कहा गया था कि कल के दिन डीजी के साथ में मीटिंग रखा है, जल्दी ही रिपोर्ट वो बताएंगे एग्जैक्टली अभी क्या प्रोग्रेस हुआ है सीबीआई के द्वारा। तो इस पर आपका क्या कहना होगा? देखिए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से एक प्रोएक्टिवनेस होना चाहिए, हर चीज़ को आप यही करो वो करो ये करो वो करो ये सब बोलने का मौका भी नहीं देना है। और इनफैक्ट हम लोग तो वी आर जस्ट नॉर्मल एस्पिरेंट्स, हम लोग नॉर्मल सिटीजन है, वी आर नॉट इवन लीगल एक्सपर्ट्स, वी आर नॉट इवन इन द सिस्टम। इनफैक्ट आप सिस्टम में है, आप सिस्टम को चला रहे हैं, एंड यू हैव ऑल द जो टेक्निकलिटीज है, जो भी लीगल एक्सपर्ट्स है एट योर डिस्पोजल, आपका पास सब कुछ मशीनरी है, आप यहाँ में क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ से पता चलता है कि देर इज़ नो पोलिटिकल विल। और यहाँ में जैसे सीबीआई का बात करता है, अच्छा ये जो आप कल का जो मीटिंग रखा है अभी 6-7 मंथ से क्या कर रहा था? इनफैक्ट सीबीआई का आया वाला तो 1 साल हो रहा है, वेयर इज द अपडेट? अभी एक भी अरेस्ट भी नहीं हुआ, नॉट इवन सिंगल अरेस्ट। ये तो मजाक बन के रख रहा है ना, अभी सीबीआई बोलता अभी दे विल बिकम अ लाफिंग स्टॉक हियर। हम लोग तो सोचा था इस कंट्री का जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है वो लोग आएगा तो बहुत कुछ निकलेगा, बहुत स्केलेटन निकलेगा, यहाँ में उल्टा पता चल रहा है कि दे आर नॉट इवन इक्विवेलेंट टू द हमारा जो स्टेट का जो पुलिस है, ये लोग तो बिल्कुल मीन्स दे आर टोटली इनकम्पिटेंट। और इनकम्पिटेंट इसलिए भी है क्योंकि हमारे स्टेट गवर्नमेंट उसको चेक एंड बैलेंस भी नहीं कर रहे हैं, पूछताछ भी नहीं कर रहे हैं, अपडेट भी नहीं ले रहा है। अभी जैसे आप डीजी का बात कर रहे हैं, इसके लिए आप किस शुभ मुहूर्त का वेट कर रहा था? आप सब पिछला एक साल से देखा है, उनका कहना था कि डीजी चेंज हो रहा है, नया डीजी आया, दिस इज रिडिकुलस एक्सक्यूज। कोई भी चेंज हो, देखो फंक्शन इज द सेम, चाहे भले ही कोई भी रोटेशन में हो, लेकिन आप जो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से जो अप्रोच है, जैसे उसको असिस्ट करना, जो पर्सनल्स प्रोवाइड करना, जो अपडेट लेना, वहाँ में कौन बैठा है दैट इज़ इरेलीवेंट। लेकिन आप अपना पार्ट तो करिए, लाइक यहाँ में एक्सक्यूज दे रहे हैं, खुला खुला झूठ बोल रहे हैं। आई मीन लाइक यहाँ से पता चलता है कि लाइक ऐसे समझ रहा होगा कि वी आर नॉट इलिटरेट हियर, हम लोग समझते हैं, वी कैन रीड बिटवीन लाइन्स। यहाँ में आपका विल कहाँ तक है कहाँ तक नहीं दिखाई देता है। इनफैक्ट जब से सीबीआई आया है, हम लोग ने इन्वेस्टिगेशन में इतना पूछताछ भी नहीं किया है क्योंकि हमको लगा कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ से प्रोएक्टिवनेस दिखाएगा। लेकिन यहाँ में पता चल रहा है कि जब से सीबीआई है ऐसे टाइप का हो गया कि दे वेर वेटिंग फॉर सीबीआई टू कम, ताकि और कुछ ना हो और ताकि और इसके लिए ना निकलो, ऐसे दिखाई दे रहा है। तो इसलिए भी दिखाई दे रहा है क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट का जो एक प्रोएक्टिवनेस, जो एक उनका तरफ से जो इनिशिएटिव होना चाहिए सीबीआई को भी, अगर वो भी नहीं भी कर रहा है बोले, आप होम मिनिस्ट्री को क्यों लेटर नहीं लिखता है अपना ड्यूटी नहीं कर रहा है बोल के? सिर्फ हम लोग को जस्ट उसका वो में एक्सक्यूज देने के लिए अब बाहर निकलता है, अब डीजी ये कर रहा है वो कर रहा है, डीजी क्या कर रहा है हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन अपडेट कहाँ है? और ये आज या कल का बात नहीं है, ये इशू जो 1 साल हो चुका है, देयर इज़ नो अपडेट।
अभी भी बोलता है, और उसका वो लोग बोलता है जब सीबीआई का पास जाता है, सीबीआई बोलता है कि हमारे पास पर्सनल नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रहा है? स्टेट गवर्नमेंट उतना तो कर सकते हैं मिनिमम। और इनफैक्ट ईडी को भी अभी तक ये ऑफिस यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं कर दिया है। ये जो कोलाब्रेशन, आई मीन जो एक ये जो कोलाब्रेशन तरीका से जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होना है, दैट इज़ नॉट हैपनिंग। उससे पता चलता है कि उल्टा इशू को दबाने का कोशिश किया जा रहा है। हम लोग जो इशू होता रहे, हम लोग उल्टा आपो आपा लगा रहे हैं और बोलता है कि हमने क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किया। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैन ही फंक्शन इंडिपेंडेंटली? वो तो ऊपर से डायरेक्शन आएगा, तब तो वो सब ऑर्डर निकलेगा ना। तो उससे पता चलता है कि देर इज़ अ बिगर नेक्सस हेयर। यहाँ में इशू को मीन्स जितना तक हुआ है उतना तक ही दबा के रखना है, उससे फर्दर जाना नहीं है। ये बात क्लियरली बता दो, अभी तक जो भी खुलासा हुआ है, दिस इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी तो और भी खुलासा होना बाकी है, ये 20% भी खुलासा हुआ ही नहीं है। इनफैक्ट जो ग्यामर पादंग सर के थ्रू से जो अभी तक रेवलेशन हुआ है, दिस इज हार्डली 20%। इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से जो रास्ता देखा है, जो एक जर देखा है, वो जर को खींच के बाकी चीज़ को निकलना था। अभी क्या करे, वो जर को कोई खींचने के लिए करता है तो उसको उल्टा साइडलाइन कर देता है, उसको उल्टा सप्रेस करता है। यस, अपोपा इज यूज लाइक, अब समझ में आ रहा है ना, अभी लाइक ऐसा एक वेपन जैसे बना दिया कि जो भी आवाज़ निकले उसका ऊपर में लगा दिया जाएगा। दैट इज़ लाइक हाईली कंडेमनेबल। ये डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक सेटअप में, यहाँ में जो हमारा जो डेमोक्रेटिक जो ये स्ट्रक्चर है, यू कैन नॉट फंक्शन लाइक दैट। जो डिमांड है, दिस इज़ द वॉइस ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एंड यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट। आप वहाँ पे जो सिस्टम है जो करप्ट है, उसका बात सुनेगा कि या आप जनता का आवाज़ सुनेगा? बिकॉज जनता, वी आर द रियल वॉइस ऑफ दिस स्टेट। और दादाजी, जैसे आपने मेंशन किया है कि डिमांड्स को लेकर ये जनता का डिमांड है, तो दर्शक को बताना जरूरी है, अभी अगस्त महीना आ चुका है, 2022 से शुरू हुआ था अगस्त के महीने में, और एक साल हो चुका है। और आज के दिन में और एक सवाल मेरे पूछने से पहले सीएम खांडू ने आंसर खुद, जवाब क्वेश्चन भी खुद रखा, जवाब भी खुद उन्होंने दे दिया कि बार बार एक्सपेरियंस के तरफ से 13 पॉइंट्स ऑफ चार्टर डिमांड को लेकर बात कर रहे हैं, मुद्दा उठाते रहते हैं, जबकि ऑलरेडी उनके तरफ से कहा गया, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 13 पॉइंट ऑफ चार्टर डिमांड को फुलफिल कर दिया, इसरे का कहना है। और साथ ही साथ उन्होंने एक बात आज उन्होंने मेंशन किया है कि रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट कर दिया गया था आपको भी और बाकी सभी को भी, लेकिन अभी कल के दिन में यानी कि टुमारो उनके तरफ से और एक अपडेटेड वाला रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा। तो इसके ऊपर में आपको क्या कहना होगा, क्योंकि कई लोगों का मिसकंसेप्शन हो रहा है, आई गेस जो दर्शक है वो फुल जो हेडलाइन वो नहीं पढ़ते हैं, जो भी हमने लिखा था उसमें सेस सीएम खांडू लिखा था, लेकिन लोगों को लगता है कि अरुणाचल टुडे इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट बात करती है यार। लेकिन मैं बता दूं कि कुछ बीच में स्कीप हुआ था, न्यूज़ को हम नहीं बना पाए, लेकिन मैं नहीं बना पाई, लेकिन चैनल हम लगातार रिपोर्ट बना रहे थे, क्योंकि अगर कोई नहीं जानते ऐसे तो बात नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं कि मेरा फादर का भी डेथ हुआ था मार्च के महीने में, उसके वजह से 2 से 3 महीना मैं नहीं जुड़ पाई, नहीं बना पाई ये एपीसीएस स्कैम को लेकर रिपोर्ट। लेकिन हम इस तरीके के न्यूज़ चैनल नहीं है जो बायस न्यूज़ बनाए या फिर किसी के फेवर में, हम हमेशा से न्यूट्रल बनाते आए हैं, और इस 5 से 7 साल होने को आए एज अ चैनल। तो ये तो था, हम अपना तरफ से मैं बताना चाह रही थी। तो इसके ऊपर में आपका क्या कहना होगा, क्योंकि उनके तरफ से कहा गया है कि क्लियर कर दिया जा चुका है 13 पॉइंट ऑफ चार्टर डिमांड, लेकिन बार बार वही सेम चीज़ को लेकर आप लोग आ रहे हैं। देखिए, 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड को जो रिटर्न एश्योरेंस देना और फुलफिलमेंट करना में जमीन और आसमान का अंतर है। अभी आप 18 फरवरी को जो एक रिटर्न एश्योरेंस दिया था इन द फॉर्म ऑफ अ पेपर, एक पेपर में हम लोग को रिटर्न एश्योरेंस दिया था, इनफैक्ट हमारा पूरा भरोसा था वो समय में, वी हैड द फेथ कि अब एक्चुअली में जो हमने डिमांड किया है, जो भी एक रिफॉर्मेशन, जो भी एक करेक्टिव मेजर्स जो लाना था, हमको लगा कि आप एक्चुअली में करना चाह रहे हैं, वो रिटर्न एश्योरेंस भी आया, चीफ मिनिस्टर का ऑफिस से आया। अभी 6 मंथ्स लेटर अभी हमको उसी पॉइंट को फिर दोबारा बोलना पड़ रहा है, दैट इज़ बिकॉज आप जस्ट उसको लिख के दिया है, आप किया नहीं, जस्ट एश्योरेंस ही दिया, प्रैक्टिकली नहीं हुआ, एश्योरेंस पे एश्योरेंस ही दिया जा रहा है। यहाँ पे कभी ये बोलता है कि यहाँ पे ये इंडिपेंडेंस डे का उसमें तो स्पीच तो सुनने लायक था, लेकिन एक्चुअली में क्या है, दैट इज ओनली ऑल साउंड, नो एक्शन, सिर्फ लाउड नॉइस है। यहाँ में भी ऐसा है कि जो कल देगा बोल रहा है, अभी क्या चीज़ को देगा? यहाँ में 13 पॉइंट ऑफ चार्टर डिमांड को कह रहे थे, मॉनिटर प्रोब हुआ है क्या? और ईडी का जो जितना लोग को अरेस्ट करके वो करेगा बोला है, वो हुआ है क्या? और इनफैक्ट जहाँ में तकेश जरंग को जो टर्मिनेशन करना था वो हुआ है क्या? और यहाँ पे जो विसल ब्लोअर एक्ट जो बनना था वो हुआ है क्या? और बाकी जितना मेंबर्स जिसको हटाना था वो हुआ है क्या? और जो अरुणाचल पब्लिक एग्जामिनेशन
प्रिवेंशन ऑफ मेल प्रैक्टिस एक्ट, उसमें जो हमने इनपुट दिया वो हुआ है क्या? और एसओपी को जो हमने, हमको जो इनपुट देना था वो हुआ है क्या? एसओपी तो बनाया नहीं, अभी बनाया भी तो हमारा इनपुट लिया नहीं है, तो अभी किस 13 पॉइंट ऑफ डिमांड का बात कर रहा है? अभी एक एक पॉइंट करके हम गिना के सुना सकता है? तो यहाँ में लाइक ये जस्ट एक पेक रहा है कि हजारों हजारों पोस्ट है, ये लोग एग्जाम कंडक्ट करने नहीं दे रहे हैं, ये लोग ऐसे जुर्मुत कर ला कर। हमने क्लियरली कहा है पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेगा, नॉट इवन वन सिंगल पॉइंट हैज़ बीन टोटली फुलफिल्ड, अभी तक हुआ नहीं। सिर्फ हमको लॉलीपॉप का जैसे कुछ, हाँ कुछ रिटर्न वाला दे दिया, अभी लगा कि हम उसमें खुश हो जाएगा, बाद में देखता है तो सिर्फ वो रिटर्न में रह जाता है, वो एक्शन में आता नहीं है। जो कोर्ट मॉनिटर प्रॉप था, अभी देखो 6 मंथ्स हो गया, इसको बनाने में क्या प्रॉब्लम है? 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा और उसका रिपोर्ट बनाने में 30 डेज में हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है इसको? एक भी, चलो नलिन बोध वाला पॉइंट को आपको कंटेंशियस लग रहा है, इनफैक्ट उसमें भी सीएम पेमा खांडू खुद बोला है कि ये वाला को ये से एक रिकमेंडेशन पास किया जाएगा। चल उसको छोड़ के भी बाकी पॉइंट्स का क्या? 12 पॉइंट्स में तो एक भी टिक टाक से हुआ नहीं है। अभी बात करें कल क्या कागज देगा, कोर्ट मॉनिटर प्रोप को लेके आओ तब बात करेगा, सच में तकेत जरंग का टर्मिनेशन लेटर को लेके आओ तब बात करेगा, कुछ तो हुआ नहीं। अभी बात करता है कि हो गया ये लोग जुर्मुत का हल्ला कर रहा है। हम एक एक पॉइंट करके अभी भी गिन के सुना सकते हैं, नॉट इवन वन सिंगल पॉइंट हैज बीन टोटली फुलफिल्ड।